वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेजेज हैं उनके बारे में क्या है अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अपन जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार क्या है, जो अपन ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। ए सीरीज ऑफ इवेंट अकरिंग रेगुलरली इन फीमेल एवरी 26 टू 30 डेज थ्रू आउट द चाइल्ड बियरिंग पीरियड ऑफ अबाउट 36 ईयर। साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस Concentrating in the ovaries and ovarian uterine wall, stimulated by changes in the blood concentration of hormone. Hormones secreted in cycle are regulated by negative feedback mechanism. This is a series of events occurring regularly in female every 26 to 30 days. क्या होता है? Females के अंदर 26 से 30 days के अंदर क्या है? एक cycle regular series चलती रहती है। तब से लेके जो अपने 14 जो अपन ने चाइल्ड ब्रिंग एज जो मानी है वहाँ से लेके 36 की एज तक क्या है ये प्रोसेस होती है। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ओवरीज एंड यूट्राइन वॉल स्टिमुलेटेड बाय द चेंजेस इन द ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन। किसकी वजह से होता है ये? अपने जो हॉर्मोन्स की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, चेंज हो जाती है। किसमें? ब्लड में। हॉर्मोन सीक्रेट इन द साइकिल आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो हॉर्मोन सीक्रेशन की जो प्रोसेस है साइकिल में वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है? जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसके द्वारा क्या है ये रेगुलेट होती है। क्या समरी दिखाएगी ये किसकी? वन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की। फर्स्ट में क्या है ये का जो डायग्राम है इसके अंदर क्या दिखाया? ओवेरियन साइकिल दिखाया गया, मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस लूटियम। इसके अंदर कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट दिखाया गया है। देन है एंटीरियर पिट्यूटरी साइकिल। ये वाला जो है वो क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी साइकिल है। एंटीरियर पिट्यूटरी साइकिल में क्या होता है? LH and FSH level, LH और FSH का क्या है लेवल दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है? कॉर्पस लूटियम का दिखाया गया है। इसके अंदर LH और FSH का लेवल दिखाया गया है। जो ये C वाला है इसके अंदर क्या है? यूटेराइन साइकिल दिखाया गया है। इसके अंदर क्या मेंस्ट्रुअल प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी फेज जो है वो दिखाई गई है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो 4 days, प्रोलिफरेटिव फेज 10 days और सेक्रेटरी फेज 14 days। ठीक है, जो अपना फर्स्ट जो 4 day है उसके अंदर क्या है? बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम टियर आउट होती है। पॉलिफ्रेटिव है इसके अंदर क्या है? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम काम करती है। ठीक है, सेकेटरी के अंदर क्या है? थिकनिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोथेलियम दिखाई गई है। नेक्स्ट है अपना ओवेरियन हॉर्मोन साइकिल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। इसके अंदर क्या है? ओवेरियन हार्मोन दिखाया गया है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। 1 से लेके 14 days तक क्या है? जो अपनी मेंस्ट्रुअल फ्लो की और जो प्रोलिफरेटिव फेज जो है 14 days की उसके अंदर क्या है? ओवेरियन साइकिल दिखाया गया। इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल दिखाया गया है। 14 से 28 दिन की जो टाइम है 28 का है उसके अंदर क्या है? जो सेक्रेटरी फेज का जो टाइम होता है उस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल दिखाया गया है इसमें।
द हाइपोथैलेमस सीक्रेट लिप्नाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, LHRH हार्मोन सीक्रेट करता है विच स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट। वो क्या करता है LHRH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट का हार्मोन सीक्रेट करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। कौन से हार्मोन होते हैं वहां पे, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या है, विच प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स एंड द सीक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन लीडिंग टू द ओव्यूलेशन। FSH है वो क्या करता है, प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, जो अपने ओवेरियन फॉलिकल्स जो है उनको क्या है प्रमोट करता है किस चीज के लिए, ओवेरियन किस चीज के लिए, मैच्योरेशन के लिए। द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन लीडिंग टू ओवुलेशन, जो सिक्रेशन है किसका एस्ट्रोजन का, वो किसको लीड करता है, ओवुलेशन को लीड करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन विच टारगेट ओवुलेशन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस लुटियम एंड द सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टोजन। जो LH है वो क्या करता है कॉर्पस लुटियम में और अपने जो सिक्रेशन है किसका, प्रोजेस्टेरोन का है, उसमें हेल्पफुल होता है, ये उसको स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है LHRH हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है, और वो क्या करता है स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, किस चीज के लिए, FSH और LH जो हार्मोन है उसको सिक्रेट करने के लिए क्या है वो, प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्या है, द हाइपोथैलेमस रिस्पोंड द चेंज टू द चेंजेस इन द ब्लड लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है रिस्पोंड करता है किसके लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेंजेस इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है जो अपने हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इसके लिए इनके लेवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। इट इज स्विच्ड ऑफ बाय हाई लेवल एंड स्टिमुलेट व्हेन देयर आर लो। जब इनका लेवल ज्यादा हो जाता है तब क्या इनका सिक्रेशन स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, और जब लेवल कम हो जाता है तब क्या है स्टिमुलेट हो जाता है, किस स्टिमुलेट कर देता है किस चीज के लिए, सिक्रेशन के लिए। द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट 28 एट डे। जो एवरेज लेंथ है वो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, 28 डे है। बाई कन्वेंशन ऑफ convention the day of cycle are numbered from the beginning of the menstrual phases of the menstrual cycle which usually lasts about 4 days. This is followed by the polycretic phase about 10 days and secretory phase about 14 days. क्या है जो फ्लो की जो डेट है वो क्या है 4 days है, polycretic phase है वो कितनी है 10 दिन की है, और जो secretory phase है वो क्या है 14 days की होती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने जो ब्लड है उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है उसके हॉर्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइपोथैलेमस है उसके सिक्रेशन के लिए। जब सिक्रेशन की जरूरत होगी यानी कि जिस टाइम पे लेवल ज्यादा हो जाएगा उस टाइम पे स्विच ऑफ हो जाएगा यानी कि उसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा, जिस टाइम पे सिक्रेशन की जरूरत होगी उस टाइम पे दोबारा से स्टिमुलेट कर देगा। एवरेज जो डे है वो कितना है 28 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल जो फेज है वो 4 डेज की होती है, ठीक है, पॉलीफेटिव फेज है वो 10 दिन की होती है, और सेक्रेटरी फेज है वो 14 डेज की होती है।
सबसे पहले जो मेंसल फेज है जो 4 days की है, वो तो मैं व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज द कॉर्पस लूटम स्टार्ट द डीजनरेट। जब वे ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है उस टाइम पे क्या है कॉर्पस लूटम क्या कर देता है स्टार्ट कर देता है इसको डीजनरेशन को। इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस लूटम इज सपोर्टेड बाय ह्यूमन टोनिक गोनेड्रोपिन HCG सीक्रेट बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान द कॉर्पस लूटम इज सपोर्टेड बाय द HCG एंड सीक्रेट बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल देयरफॉर फॉल एंड द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम व्हिच इज डिपेंड ऑन द हाई लेवल ऑफ दीज ओवेरियन हार्मोन इज सेड इन मेंस्ट्रुएशन। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल देयरफॉर फॉल क्या है इनका लेवल कम हो जाता है एंड द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम व्हिच डिपेंड इन ऑन हाई लेवल ऑफ दीज ओवेरियन हार्मोन इज सेड इन मेंस्ट्रुएशन। The menstruation flow consists of the secretion from the endometrial gland, endometrial cell, blood from the breakdown capillaries and the unfertilized ovum. The menstrual flow किस से बनता है? Consists of the secretion from the endometrial gland, endometrial gland के secretion से, endometrial cell से, blood from the breakdown of capillaries and the unfertilized ovum. जब का unfertilized ovum होता है वो क्या breakdown होता है उनसे क्या है ये पूरा बनता है। जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है इसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो किस किन चीजों से बनता है? सिक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है इसके अंदर, एंडोमेट्रियल ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो होती है, एंडोमेट्रियम सेल होती है, ब्लड जो होता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम ब्रेकडाउन कैपिलरीज। ठीक है, जो ब्रेकडाउन हुई कैपिलरीज वो एंड अनफर्टिलाइज ओवम, और जो आपका अनफर्टिलाइज ओवम है वो क्या है होता है। High circulating level of ovarian progesterone and estrogen inhibit the anterior pituitary gland, blocking the release of SH and LH. And should pregnancy occur, then rising estrogen and progesterone level therefore prevent the maturation and releasing of the another ovum. High concentration level of ovarian, यानी कि concent क्या होगा? Level progesterone and estrogen inhibit, ये क्या करेंगे? दोनों hormone क्या करेंगे? Inhibit करेंगे. इसको इनहिबिटिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी, ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ FSH एंड LH, ब्लॉक करेंगे किसको? FSH और LH को। एंड शुड प्रेगनेंसी अकर देन राइजिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल देयरफॉर प्रिवेंट द मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ द अनदर ओवम। आफ्टर द डिजनरेशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम हाउएवर फॉलिंग लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लीड टू resume anterior pituitary activity releasing FSH and inhibiting of the next cycle. नेक्स्ट अपनी है पॉलीप्रोलिफेरेटिव फेज, जो कितने दिन की होती है? 10 दिन की होती है। और द पॉलीप्रोलिफेरेटिव फेज
एट द स्टेज एंड ओवेरियन फॉलिकल्स स्टिमुलेट बाय एफएसएच इज ग्रोइंग टुवर्ड मैच्योरिटी एंड प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द पोलिफ्रेशन ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इन प्रिपरेशन फ्रॉम द रिसेप्शन ऑफ ए फर्टिलाइज ओवम। एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, द पोलिफ्रेशन ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियल इन द प्रिपरेशन फॉर द रिसेप्शन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। द एंडोमेट्रियम बिकम थिकर बाई ए रेपिड सेल मल्टीप्लिकेशन अकॉम्पलीड by an increase in the number of the mucus secreting gland and blood capillaries. The phase and when ovulation occur and estrogen production decline. नेक्स्ट अपनी है सेक्रेटरी फेज। इमीड 14 डेज की होती है। इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन द लाइनिंग सेल ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड बाय एलएच टू डेवलप द कॉर्पस लूटियम व्हेन प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड सम एस्ट्रोजन। इमीडिएटली क्या होगा, आप ओवुलेशन के बाद द लाइनिंग सेल ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड बाय, वो जो लाइनिंग सेल है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेटेड बाय LH2 develop the corpus luteum. LH को किसके लिए, develop the corpus luteum which produce progesterone and some estrogen. और क्या किस चीज का production होगा, estrogen और progesterone का। Under the influence of progesterone the endometrium become adenomatous and secretory gland produce increased amount of watery mucus. This is believed to assist the phase of the spermatozoa through the uterus to the uterine tube where the ovum is usually fertilized. This is believed to assist the pass of the spermatozoa through the uterus to uterine tube where the ovum is usually fertilized. There is a similar increase in the secretion of watery mucus by the gland of the ovarian tube and cervical glands which lubricate the vagina. ये जो secretion है वो किसके द्वारा होता है, secretion of watery mucus by the gland of the uterine tube के द्वारा and by cervical gland जो है उनके secretion से जो क्या करते हैं, lubrication provide करते हैं किसको, vagina को। The ovum may survive in the fertilized from the every short time after ovulation, probably as a little as 8 hours. The spermatozoa depend in the vagina during may be capable of fertilizing the ovum for only about 24 hours, although may survive for several days. This means the period of each cycle during which fertilization can occur is relatively short. The means क्या है, जो time है किसका cycle का, during the fertilization can occur in relatively short. The time of the ovulation can be determined by observing
सर्टेन चेंजेस इन द वुमेन बॉडी अराउंड दिस पीरियड, चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस फ्रॉम द फ्रॉम थिक थिक एंड ड्राई इन द कंसिस्टेंसी ऑफ थिन इलास्टिक एंड वाटरी एंड डिटेक्टेड एंड इन एडिशन बॉडी टेम्परेचर राइजिंग बाय ए स्मॉल बट मेजरेबल अमाउंट इमीडिएटली फॉलोइंग ओवुलेशन सम वुमेन एक्सपीरियंस सम डिग्री ऑफ अबडोमिनल डिस्कम्फर्ट। क्या क्या होता है इस कंडीशन में? अबडोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है इन द मिडिल साइकिल, इन द मिडिल ऑफ द साइकिल थ्रू द कोरिस्पोंड द रप्चर ऑफ द फॉलिकल्स एंड रिलीज इट्स कंटेंट इन टू द अबडोमिनल कैविटी। नेक्स्ट क्या है? मेनोपोज। द मेनोपोज यूजुअली अकर बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 55 ईयर मार्किंग द एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड। जो मेनोपोज है वो क्या है, यूजुअली कौन सी एज होती है? 45 से लेके 55 की जो अपनी एज होती है वो होती है, और इस दौरान क्या है जो चाइल्ड बियरिंग जो एज है उसका क्या है, एंड होता है। इट मे अकर सडनली और ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर सम टाइम एज ए लॉन्ग एज 10 ईयर एंड कॉज्ड बाय चेंजेस इन सेक्स हॉर्मोन लेवल। इट मे अकर सडनली, ये क्या है, अचानक से होता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर सम टाइम एज ए लॉन्ग 10 ईयर एंड कॉज्ड बाय चेंजेस इन सेक्स हॉर्मोन लेवल। किसकी वजह से होता है? जो अपने हॉर्मोन्स हैं उनके अंदर क्या है, चेंजेस होने की वजह से होता है। द ओवेरियन ग्रेजुअली बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू एफ एस एच एंड एल एच एंड ओवुलेशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर इवेंचुअली सीजिंग। सेवरल अदर फिनोमिना मे अकर एट द सेम टाइम इंक्लूडिंग। शॉर्ट टाइम अनरिप्रोडक्टेबल वेजोडाइलेशन विद फ्लैशिंग्स स्वीटिंग एंड पाल्पिटेशन कॉजिंग डिस्कम्फर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉर्मल स्लीप पैटर्न श्रिंकिंग ऑफ द ब्रेस्टेज ब्रेस्ट ब्रेस्ट में क्या श्रिंकेज होता है। एक्सिलरेंट पीवर है बिकम स्पेयर्स एट्रोपी ऑफ द सेक्स ऑर्गन, एट्रोपी हो जाती है सेक्स ऑर्गन में। एपिसोड्स ऑफ द अनकरेक्टरिस्टिक बिहेवियर समटाइम अकर एग्जाम्पल इरिटेबिलिटी मूड चेंजेस। क्या क्या होता है? मूड चेंजेस होता है, इरिटेबिलिटी होती है, ग्रेजुअल थिंकनिंग ऑफ द स्किन स्किन थिक होने लग जाती है, लॉस ऑफ द बोन मास, द बोन के जो मास हैं वो क्या है लूज होने लग कम और लॉस होने लग जाता है। सो इंक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो क्या है बढ़ जाता है। सिमिलर चेंजेस अकर आफ्टर द बायलेटरल इरिटेशन ऑफ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवेरियन। नेक्स्ट अपना है ब्रेस्ट और मेमरीज ग्लैंड। ब्रेस्ट और मेमरीज ग्लैंड क्या है? द ब्रेस्ट आर मेमरी ग्लैंड आर एसेसरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड क्या है वो एसेसरी ऑर्गन है किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन होते हैं। दे एग्जिस्ट आल्सो इन द मेल बट नो इन ओनली रुडिमेंटरी फॉर्म। क्या है? ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, मेल के अंदर जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। इन द फीमेल द ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड इमेच्योर अंटिल प्यूबर्टी। जो ब्रेस्ट है वो फीमेल के अंदर क्या है इमेच्योर होते हैं, कब तक? प्यूबर्टी की एज तक क्या है वो इमेच्योर होते हैं। देर आफ्टर दे ग्रो एंड डेवलप टू द देर मेच्योर साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही मेच्योरिटी एज होगी उस दौरान क्या है वो मेच्योर होने लग जाएंगे, किसके किसके साथ? इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर क्या है वो मैच्योर होने लग जाएंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज हार्मोन स्टिमुलेट फर्दर ग्रोथ। आफ्टर द बेबी इज बोर्न द हार्मोन प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेशन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड
ऑक्सीटोक्सिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेशन द रिलीज ऑफ मिल्क इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ द निप्पल बाय द सकिंग बेबी बाय ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आफ्टर द बेबी बोर्न। बेबी के जन्म होने के बाद क्या है, प्रोलेक्टिन फॉर्म जो है वो क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। एंड ऑक्सीटोक्सिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ मिल्क। ऑक्सीटोक्सिन है वो क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है किस चीज के लिए, रिलीज करने के लिए मिल्क को। इन रिस्पॉन्स द स्टिमुलेशन ऑफ द निप्पल किसके द्वारा होता है, निप्पल के द्वारा होता है। जब बेबी जो बच्चा है वो सक करता है तो उस टाइम पे क्या है, जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो किसके दौरान होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के प्रेजेंस में होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट दिखाई गई है इसके अंदर। तो जब अपनी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर क्या है, अपन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।